आदिवासी युवक की पिछले दिनों निर्मम हत्या के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हंडिया हाईवे पर एक घंटे के लिए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह तोमर का कहना है कि थाना प्रभारी को तत्काल हटाया जाए, मृतक के परिजनों को नौकरी दी जाए और 50,000 की सहायता राशि दी जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो युवा शेर आज यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पहले प्रशासन को यहाँ पर सभा करके उनको मैंने जानकारी दी कि आप लोग यहीं पर आ जाएं, हम चक्का जाम करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम केवल न्याय मांगने के लिए आए। लेकिन यहाँ प्रशासन के लोग हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। निजगांव में और उसकी बातों को लेकर उन्होंने आज यहाँ पे बैठे हैं और उसमें यह तत्काल आरोपी गिरफ्तारी की जाए। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उनका यह था कि हम उनके परिवार को मुआवजा मिले, उसको भी मान लिया गया है। उन्होंने बताया कि थ्रू प्रॉपर चैनल कलेक्टर के पहुंचे के यहाँ आवेदन दो